कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। और आज के लेक्चर में बात करेंगे हम पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब आपको पता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपको पता है बहुत से कोवेलेंट कंपाउंड है, पानी कोवेलेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट है, ऑक्सीजन कोवेलेंट है, नाइट्रोजन कोवेलेंट इन नेचर है, ग्लूकोज आपने पढ़ा है, ये सब जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ये सब कोवेलेंट इन नेचर है। स्टूडेंट्स, अगर आप समझना चाहते हैं कि पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, या पोलर नॉन पोलर जो है, या नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा। आपने एक लफ्ज याद रखना है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप एक और बात याद रख सकते हैं, अनइक्वल, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको इसकी पहले इक्वल अनइक्वल की बात समझा देता हूं। अगर लेट्स से दैट आपके पास जो है एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में नहीं दी, क्योंकि हाइड्रोजन की वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर वैल्यू नहीं बताई गई, लेकिन देखें यहां पर इस टॉपिक में उनकी वैल्यू दी जा रही है। सो 2.2 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और पीछे जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ा और वहां पर उन्होंने क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी जो कि है 3.2। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2। अब आप क्या करोगे कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1.0। यानी कि अगला जो कंपाउंड बना है, HCl बना है, अब इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसमें क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है 1.0। अब साइंसदानों का मानना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 हो या फिर इससे ग्रेटर हो, ठीक है, इक्वल टू 1.7 हो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, या इसे वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो याद रखिएगा बॉन्ड कोवेलेंट नहीं रहता, बॉन्ड आयनिक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ये मैंने आपको बात जो बताई इसको आपने भूलना नहीं है। यानी अभी हमने देखो H और Cl के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाला जो कि निकला 1.0। ये 1.7 से थोड़ी वैल्यू है, ये 1.7 की जितनी भी नहीं है और 1.7 से कम है। आपको पता है कि 1.0 1.7 से तो लो वैल्यू है, तो ये होगा तो सही कोवेलेंट, मतलब जिनकी भी जो दो एटम है, लेट्स से दैट तुम कहते हो सर सोडियम क्लोराइड का जो है वो निकाल लेते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन आपको याद होगा आपस में मिले थे और सोडियम क्लोराइड उन्होंने बनाया, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप टेबल से देख के बताएं, क्लोरीन की तो मैंने भी आपको बता दी है 3.2 होती है, तो सोडियम की आप बताएं क्या होती है, तो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं दी, मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्या होती है, 0.9 होती है। अब देखो सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो क्लोरीन की वैल्यू पहले लिखेंगे 3.2 और इसको लिखेंगे 0.9। तो अब आपको पता है कैरी नहीं हो सकता, तो 12 में से 9 निकालेंगे 3 आ जाएगा, और 2 में से 0 जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें 2.3 डिफरेंस आ गया, आ रहे हैं इसके दरमियान, कितना आ रहा है डिफरेंस, 2.3 के डिफरेंस आने का मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का जो एक सलाहियत है, उसकी वैल्यू 2.3 है, जो कि 1.7 से कहीं ज्यादा है। अब यहां पर हम ये बात कर देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होंगे, वो क्या होंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा, क्योंकि वैल्यू 1.7 से ज्यादा आई है। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, इस केस में डिफरेंस निकला है 1.0 का, इस केस में डिफरेंस निकला है 2.3 का। तो अब इस केस में 1.0 निकलने का मतलब है कि आयनिक बॉन्ड नहीं है, HCl के दरमियान आयनिक बॉन्ड नहीं होता, HCl के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वो आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स बात ये होती है यहां पर जो मैंने आपसे करनी है, और वो बात ये है कि लेट्स से दैट हमारे पास एक सिचुएशन है क्लोरीन और हाइड्रोजन की। अब आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के आउटर शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब आपने देखा कि जो बॉन्ड पेयर है, आपको याद होगा बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दो न्यूक्लियस के दरमियान होते हैं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लिहाजा ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर तो आपको पता लग गया कि क्या होता है, कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो दो एटम्स के दरमियान हो। तो अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये बेसिकली क्या सीन कर रहा है कि ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा धका हुआ है, झुका हुआ है। इसकी इलेक्ट्रॉन 3.2 की थी, इसकी इलेक्ट्रॉन 2.2 की थी। और देखें अगर पहलवान जोर लगा रहे हैं, टग एंड वॉर कर रहे हैं, तो रस्सा जो है उस पहलवान की तरफ चला जाएगा जिस पहलवान में ज्यादा ताकत हो। तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा भी चला जाएगा किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ ज्यादा धकेलने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। और यहां पर अगर आप कहें कि सर सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल समझाएं, तो यहां पर भी सोडियम ने शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन दिया था। लेट्स से दैट योर सोडियम कॉर्डिशल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है अब टोटली क्या हो गया, ट्रांसफर हो चुका होगा इस शेल के अंदर। अब ये इलेक्ट्रॉन कभी भी सोडियम के गिर चक्कर नहीं लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस के, क्लोरीन के न्यूक्लियस के गिर। लेकिन यहां पर ऐसा है कि नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ने धकेल लिया है अपनी तरफ, लेकिन ये क्लोरीन के नो डाउट ज्यादा चक्कर लगाएगा, लेकिन कोई एक आधा चक्कर ये हाइड्रोजन की तरफ से भी लगा आया करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अभी भी इन्वॉल्व है उस इलेक्ट्रॉन को लेकर, इसलिए इसको कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड और इसको कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब कभी भी सोडियम के पास नहीं आएगा चक्कर लगाने के लिए उसके न्यूक्लियस के गिर्द। तो इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका डिफरेंस इतना ज्यादा था कि शायद ये चांस बड़ा कम है कि इलेक्ट्रॉन आए सोडियम के न्यूक्लियस के चक्कर लगाने के लिए, इसलिए हमने सोडियम को मेटल कह दिया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, और क्लोरीन को हमने नॉन मेटल कहा। लेकिन यहाँ पे हम दोनों को नॉन मेटल कहेंगे क्योंकि अभी भी इसके चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द न्यूक्लियस के चक्कर लगाएगा। सो पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये तो आयनिक कंपाउंड हुआ क्योंकि ये तो एक आयंस की वजह से शक्ल में इख्तियार किया इसने, यानी आप कह लो कि जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्लोरीन नेगेटिव, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को आपस में रखा हुआ है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा है कि यहां पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ी बहुत कोई होंगी, लेकिन यहां पर आप कह लो कि ज्यादातर जो इंट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, कोवलेंट फोर्स है जो इन दोनों को इकट्ठा रखने में कामयाब है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो एक सीक्वेंस क्रिएट हुआ है, एक जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, जो एटॉमिक बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, जो केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट हुई है, वो हुई है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के गिर्द इलेक्ट्रॉन के बहुत कम चक्कर लगेंगे और क्लोरीन के गिर्द ज्यादा लगेंगे, तो जो क्लोरीन का न्यूक्लियस होगा उसके गिर्द नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, और जो हाइड्रोजन होगा उसके गिर्द नेगेटिव चार्ज कम होगा, यानी कम नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो लिहाजा आप कह लो कि हाइड्रोजन यहां पर पॉजिटिव, यहां पर भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाने की वजह से चार्ज आ चुका, परमानेंट चार्ज है। ये चार्ज क्या है? परमानेंट चार्ज। ये अपेरेंट चार्ज है। अपेरेंट चार्ज से मुराद है कि थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट्रॉन आएगा कभी तो किसी इस चार्ज को बराबर कर दिया करेगा, लेकिन ज्यादातर यही रहा करेगा सिचुएशन में। तो लिहाजा ये एक आरवी चार्ज कह लो। तो अब चार्ज तो होगा ना, अगर किसी कंपाउंड पे, लेट्स से दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन है, आपको पता है कि वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और टोटल आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास जो है वो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि आप जरा मुझे बताएं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इसकी है 3.5, और इसकी भी क्या होगी 3.5। अब दोनों पहलवान इक्वल अंदाज में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का जो इरादा बनाया है वो इक्वल है। तो यहां से हमें क्या साबित हुआ, क्या पता लगा? यहां से हमें ये पता लगा कि दोनों की तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर घूमेंगे न्यूक्लियस के गिर्द। अब यहां पर मैं चार्ज नहीं लगा सकता, पेरेंट चार्ज नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव, या यहां पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं लगा सकता। अब यहां पर मैं न्यूट्रल, हम कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जो है वो आया ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया ही नहीं। यहां पे तो आया था ना, यहां पे 1.0 का डिफरेंस आया था ना। अब अगर 3.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं आया। तो अमूमन साइंसदान ये बात करते हैं एटम्स अगर सेम हो, एटम्स अगर सेम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं आता, और अगर एटम्स अगर डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अमूमन आ जाता है, लेकिन ये शर्त नहीं है।
कभी कभी ये भी हो सकता है कि जैसे आई डोंट नो टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब कभी कभी तीन आइटम्स हो जाते हैं तो एज अ होल उसका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जीरो भी तो बन सकता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आप मैं आपको कहूंगा ये बताओ पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तुम सारे जल्दी से जवाब दोगे सर ये पोलर होगा। पोलर की आप क्योंकि तुम क्यों कहोगे ये पोलर होगा, तुम इसलिए कहोगे क्योंकि कार्बन जो है वो एक अलग आइटम है, ऑक्सीजन एक अलग आइटम है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जब हमने फिजिकली इनको जाकर देखा, इनको परसू किया, इनको देखा जाना सोचा समझा, तो पता लगा कि ये तो नॉन पोलर है क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो बन रहा है। यानी कह लो कि कुछ इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर है इसका, मतलब लेट्स से दैट कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एज अ होल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है और ये भी क्या है नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, एज अ होल ये कैंसिल कर रहा है। यानी कि कुछ इस तरह की बात है कि एक पहलवान जो है वो सेंटर में खड़ा हुआ है और दो तगड़े तगड़े इक्वल भारी भरकम पहलवान साइडों पे खड़े हुए हैं, और एक हल्के से पहलवान ने रस्सा पकड़ा हुआ है और वहां पे भारी भरकम ने उस पहलवान ने सेंटर से रस्सा पकड़ा हुआ है और वो दोनों पहलवानों ने साइडों से रस्सा पकड़ा हुआ है, वो दोनों खींच रहे हैं। ये जितना मर्जी पहलवान कोशिश करते रहे रस्सा अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि उन दोनों पहलवानों की इतनी ज्यादा आपस में ताकत इक्वल है कि ये सेंटर वाला पहलवान ना इधर खींच सकेगा ना इधर खींच सकेगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन इक्वली हर जगह पर घूमते चले जाएंगे न्यूक्लियस के गिर्द। तो एज अ होल हम कहेंगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन किसी एक न्यूक्लियस की तरफ जा ही नहीं रहे, किसी एक न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ होल अपने स्ट्रक्चर की वजह से, अपने स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। तो याद रखो स्टूडेंट्स, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं नॉन पोलर होते हैं, लेकिन बहुत से डिफरेंट ऐसे कंपाउंड है जिनके इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आ जाता है तो वो पोलर होते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि जो अमोनिया आपने पढ़ा मॉलिक्यूल पिछली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में, तो अमोनिया भी पोलर इन नेचर है, लेकिन कुछ साइंसदान इसको नॉन पोलर इन नेचर भी प्रूव करते हैं। लेकिन आपकी बुक के सिलेबस की तरफ रहें, आपने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बुक में सिलेबस आप उसको कवर करें। उसमें एचसीएल दिया है मैंने, पोलर डिक्लेयर कर दिया, हाइड्रोजन गैस नॉन पोलर है, क्लोरीन गैस नॉन पोलर है। इसके अलावा नीचे देखो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, वाटर बनाया हुआ है पोलर लिख लो इसके नीचे, HF बनाया हुआ है उसको भी पोलर लिख लो, इसके अलावा HCl बनाया हुआ है इसको भी पोलर लिख लो। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास साइन होते हैं इसमें हम सिग्मा का निशान लगाते हैं, ये सिग्मा, ये नहीं बोलना आपने, ये सिग्मा, व्हाट इज कॉल्ड साइन सिग्मा, ये सिग्मा का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है थोड़े से वक्त के लिए कम। तो ये आपने सिग्मा की बात नहीं बोलनी है। फिर मैंने आपको 1.7 की स्टोरी सुना दी है कि 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम आता है, ठीक है, तो बॉन्ड कोवलेंट इन नेचर है। अगर 1.7 से डिफरेंस या 1.7 आया था तब भी कोवलेंट इन नेचर है, 1.7 आया था 1.7 से ज्यादा आ जाता है तो फिर बॉन्ड आयनिक इन नेचर हो जाता है। यानी HCl का हमने डिफरेंस निकाला तो हमें पता लगा उसका 1.0 आया, तो यहाँ से पता लगा कि ये जो है कोवलेंट है और पोलर कोवलेंट है। तो पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर की डेफिनेशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको ये बता रहे थे कि निशान जो है ये सिग्मा का है, इसको आप डेल्टा भी कह सकते हैं, बुक में इसको डेल्टा के नाम से भी बताया गया है। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखें तो जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स होमो एटम्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली, जैसे मैंने आपसे कहा इन दोनों के दरमियान जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो अब दोनों जो है इक्वली एटम्स को बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्लोरीन को भी इक्वली अट्रैक्ट करेंगे और ऑक्सीजन को भी इक्वली अट्रैक्ट करेंगे और नाइट्रोजन को भी इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4, 3, 2 and 1, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल सारी जो है वो समझा दी है। उसके बाद अगर पोलर बात करेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की हमने एग्जांपल कर ली या कोवलेंट कंपाउंड की कर ली, कोवलेंट बॉन्ड की कर ली, और यहाँ पे पोलर कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड की हम अब डेफिनेशन कर लेते हैं। एन इक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, एंड एग्जांपल्स में वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तीन एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं और आपको पूरे नंबर आ जाएंगे इसमें।
और यही सवाल ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको शॉर्ट के तौर पे तैयार कर लोगे तो दैट इज थम्स अप, जबरदस्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग। वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, आप लिंक्स पे क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं, या अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। और उस प्लेलिस्ट के ऊपर जब आप जाएंगे तो सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनको सुन सकते हैं। नोट्स मौजूद हैं, सारे नोट्स आप ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स मौजूद हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स आप इन लिंक्स से डिस्क्रिप्शन में जो मौजूद है ले सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा।